हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ युवराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ टाटा नेक्सॉन के ऊपर। यहाँ तो टाटा नेक्सॉन ने एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि अभी मालूम पड़ा है टाटा मोटर्स के मेल की तरफ से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये अपडेट क्या है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सबसे पहली वीडियो होगी टाटा नेक्सॉन के इस अपडेट के बारे में यूट्यूब पर। तो चलिए एंड तक देखिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता, जो टाटा नेक्सॉन है यहाँ पे 2020 वाली, उसमें यहाँ पे बहुत सारे अपडेट आ ही चुके थे कि ट्राई एरो ग्रिल चेंज जो कि बी आई एरो हो गई थी। और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने आज ही एक नया अपडेट भी ला दिया है जो कि है टाटा नेक्सॉन की जो डुअल टोन आती है, बट अभी उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। डिसकंटिन्यू वाइट कलर हो चुका है, कैलगरी वाइट नहीं, रूफ का वाइट कलर डुअल टोन में कैंसल हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसमें एक नया ऑप्शन दिया गया है वाइट रूफ की जगह, और वो ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिल्वर का, जो कि आपकी पुरानी वाली नेक्सॉन में सिल्वर या ग्रे आप कह सकते हो उसको, मेटालिक में मिलता है, जो आपको पुरानी वाली नेक्सॉन में मिलता था जो BS4 आती थी विदाउट फेसलिफ्ट, वो आपको मिलेगा। और उसमें नोट में लिखा था विथ इमिडिएट इफेक्ट, पता नहीं कौन सा इफेक्ट था टाटा मोटर्स को, बट चेंज हो चुका है ये आपका वाइट से ग्रे में। और अभी देखते हैं वाइट से ग्रे में क्या अंतर है, मेटेलिक ग्रे या सिल्वर आप कह सकते हो उसको, कंपनी सिल्वर कह रही है उसको। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है, और अभी देखते हैं कि साइड में क्या चेंजेस होते हैं। वो वाइट ही स्ट्रिप्स रहेंगी कि पूरी जितनी नेक्सॉन की होल वाइट जो थी वो सब पूरी चेंज हो, जो आपको दिख रहा होगा कि नेक्सॉन के गेट के ऊपर वो लाइनिंग आती थी पूरी वाइट, वो भी क्या कलर चेंज होगा वाइट से कि सिर्फ रूफ चेंज हुई है। यहाँ पे ये कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ जो है वो रूफ ही चेंज हुई है, बाकी सारा पार्ट वाइट है। सिर्फ यहाँ पे आपको रूफ चेंज हुआ है, बाकी वो सारे पार्ट्स आपको वैसे ही वाइट एलिमेंट में दिखेंगे। तो ये मुझे अब देखते हैं ये वाली नेक्सॉन में अपडेट क्यों आया है, इसका अभी तक कोई मैंने ईमेल डाला था क्यों ऐसा क्यों चेंज हुआ है, तो अभी उन लोग का कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो जैसे रिप्लाई आता है इसके ऊपर एक और वीडियो बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट्स, बाय।